नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं कांग्रेस को तोड़ने की बात करने वालों पर। इस समय कांग्रेस में क्या चल रहा है, इस सवाल के जवाब से पहले कुछ अपडेट ले लेते हैं। हरीश रावत ने कहा है कोई विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ रहा है, कांग्रेस में कोई असंतोष नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के खिलाफ उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस गुटबाजी के कारण हारी है। दूसरा अपडेट यह है कि जो 8 से 10 विधायक नाराज बताए जा रहे थे और जिनको लेकर कांग्रेस को तोड़ने या फिर भाजपा में जाने की बात की जा रही थी, वो 3 दिन में एक बैठक तक नहीं कर पाए हैं। इतना जरूर हुआ है कि इनमें से कुछ नाराज विधायक प्रीतम सिंह के पीछे खड़े हो गए। इन लोगों ने प्रीतम सिंह के साथ एक बैठक की है। प्रीतम सिंह से भुवन कापड़ी, विक्रम सिंह नेगी, पूर्व विधायक राजकुमार और विजयपाल सजवान एक साथ मिले हैं। सभी ने अपना विरोध दर्ज किया है। इस बैठक में 4 बातें निकलकर सामने आई है। 1, संगठन में गढ़वाल की उपेक्षा को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया है, पत्र भेज दिया गया है। और 2, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर सभी का मानना है कि उन्होंने हाईकमान को उत्तराखंड चुनाव में गुमराह किया है। और 3, कर्ण मेहरा का इतना विरोध नहीं है, सभी यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के ज़्यादा खिलाफ है। इनका कहना है कि वो भाजपा से दल बदल कर आए और उनको आते ही इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। और 4th बात, विरोध तो है लेकिन अब सब कुछ भूलकर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए जुटना पड़ेगा। इस बात पर भी सभी सहमत दिखे हैं। वैसे बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कोई खुलकर कुछ भी बोला नहीं है। बैठक की यह फोटो भी भुवन कापड़ी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। एक और बात जाननी जरूरी है, हरीश धामी अब अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, वो इस बैठक में भी मौजूद नहीं थे। हरीश रावत ने भी कहा है कि कोई विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली नहीं कर रहा है। और कर्ण मेहरा भी कह रहे हैं कि अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे एक बात पर गौर करने की जरूरत है और वह यह है कि प्रीतम सिंह एक बार फिर अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन पहले यह जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कांग्रेस में अंतर्कलह को लेकर अब क्या कहा है। उन्होंने कहा है कांग्रेस की टूट की खबरें और 10 विधायकों की बैठक को लेकर हवा बनाया जा रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह कर्ण मेहरा ने मीडिया से बातचीत में कहा है। वैसे कांग्रेस में चर्चा तेजी से शुरू हो गई है कि हरीश धामी पर कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हरीश धामी की हाल की गतिविधियों को अनुशासनहीनता पार्टी में माना जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस के टूटने की बातें हवा में थी, भाजपा में विधायकों के जाने की बात हवा में थी, इसी तरह से हरीश धामी पर कार्रवाई की बात भी अभी हवा हवा ही लग रही है। इसके लिए कुछ दिन इंतजार करने की जरूरत है। इसीलिए अब ये जानते हैं कि प्रीतम सिंह कैसे अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जिन विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ प्रीतम सिंह ने बैठक की है और जिसके फोटो सोशल मीडिया और पत्रकारों को भेजे गए हैं, उस बैठक के साथ साथ और भी कई सारे लोग प्रीतम सिंह से मिले हैं। विधायक रवि बहादुर, सुमित हृदय सहित कई लोग प्रीतम सिंह से मिले हैं और इनके फोटो और वीडियो मीडिया को जारी किए गए। यानी यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि प्रीतम सिंह का असर बरकरार है संगठन में, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहुत से ऐसे विधायक हैं जो प्रीतम सिंह के पक्ष में है, प्रीतम सिंह के खेमे में है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि कांग्रेस टूट जाएगी। कांग्रेस टूट जाएगी का यह जो हल्ला कई दिनों से मचा हुआ था, अब वह बंद होने की ओर बढ़ चला है। इतना जरूर है कि मन मुटाव अभी बाकी है और प्रीतम सिंह की मौजूदा एक्टिविटी से यह भी पता लगता है कि अभी मन मुटाव के साथ साथ गुटबंदी भी बाकी है। यह कर्ण मेरा को तय करना है कि मन मुटाव दूर करना है, और अगर दूर नहीं होता है तो मन मुटाव रखने वाले नेता और विधायकों को खुद से दूर करना है या फिर गले लगाकर चलना है। अब देखना होगा उत्तराखंड कांग्रेस को कर्ण मेहरा कितना जीवन दान दे पाते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।